केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सेना में दरअसल आज केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कार्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, प्रिलिमिनरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था। इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना, प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ जिनका कि मिस्टर भटनागर ने अभी आपसे परिचय कराया है वो यहां पर उपस्थित हैं, अपनी बात बोलेंगे और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे सामान्यतः हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ से उसकी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हूं। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है। आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा। देश को अपनी
50 साल सीना तान संकल्प कर। बहुत खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे। तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित हो मन समर्पित। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार, गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ। मौका देश के लिए कुछ कर दिखाने का, मौका सशस्त्र बलों के हिस्सा बनने का। प्रशिक्षण जो तराशेगा आपको, रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी। आकर्षक वेतन, अग्निवीर बने। सैन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर, अवसर एक आदर्श और कुशल नागरिक बनने का। सदा समाज की सेवा में, देश सेवा में। नीड और नेसेसिटी के आधार पर हमने भारतीय सेनाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है, जिसमें इनटेक एंड रिटेंशन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है। वाई विद अ व्यू टू इवॉल्व एक युवा से भरी सैन्य शक्ति क्या होगा। वी विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व द नेशन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एज अग्निवीर। भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है, जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सबका कर्तव्य है। भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी, बलिदान, कर्तव्य प्लस टुडेज यंग इंडिया अनस्टॉपेबल कॉम्बैट पावर। वी आर गिविंग यूथ अ चांस फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन मिलिट्री सर्विस। आर्म फोर्सेज में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है, जैसा कि अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बताया। हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है, जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी 6 से 7 साल में। इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द आर्म्ड फोर्सेस इनटू यूथफुल टेक सैवी मॉडर्न, देयर इज अ नीड टू हार्नेस द यूथ पोटेंशियल एंड मेक हिम अ फ्यूचर रेडी सोल्जर। अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा।
अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा। हमारे साथ 4 साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा। ही विल स्टैंड आउट इन द क्राउड विद हिज एटीट्यूड टोर स्किल्स एंड द टाइम ही वुड हैव स्पेंट विद अस। इस स्कीम के कुछ एडवांटेजेस तो बहुत है, बट मैं सिर्फ कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहली चीज, ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है। इसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस की यूथफुल प्रोफाइल यंगर होगी, फिटर होगी, डाइवर्स होगी, दे विल बी मोर ट्रेनेबल एंड इन द चेंजिंग टाइम्स ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन दे विल बी रेडी बिकॉज दे विल बी मोर अडैप्ट टू टेक दिस टेक्नोलॉजी इन द स्ट्राइड। दे विल बी एन ऑप्टिमल बैलेंस ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस, दैट इज मिलन ऑफ जोश एंड होश। कमिंग टू अग्निवीर्स, एक सुनहरा मौका देश की सेवा करने का थ्रू द आर्म्ड फोर्सेस। दे विल इम्बाइब कमराडरी, टीम बिल्डिंग, मेंटल रोबस्टनेस, फिजिकली फिट, फोर्ज्ड अंडर फायर लाइक द बेस्ट स्टील ओवर द ईयर्स विल रिजल्ट इन अ कॉन्फिडेंट एंड बेटर इंडिविजुअल। देयर इज अ वेरी गुड फाइनेंशियल पैकेज फॉर विच द डिटेल्स आई विल टेल यू स्लाइटली लेटर। एज फॉर द नेशन इज कंसर्न, देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ डिसिप्लिन एंड स्किल्ड यूथ विद मिलिट्री इथॉस एंड फॉर द सिविल सोसाइटी विच विल